हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं ए ए गिविंग अस बी बी, तो इस केस में गिब्स फ्री एनर्जी को हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट रिएक्शन प्लस आर टी एल एन क्यू, जहाँ Q रिएक्शन कोशेंट होता है जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ A के टर्म्स में लिखते हैं। यहाँ पर डेल्टा G नॉट रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को बताता है। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी रिएक्शन की वैल्यू जीरो होती है और रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। इन वैल्यूज़ को अब इक्वेशन में पुट करें और सॉल्व करें तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के इक्वल आ जाता है, या फिर डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इक्वल हो जाता है माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम के। इस रिलेशन के हेल्प से अगर हमें किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज पता है तो किसी भी टेम्परेचर पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता कर सकते हैं। वहीं अगर हमें रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है तो हम डेल्टा जी नॉट रिएक्शन की वैल्यू बता सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की मदद से हम गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच के रिलेशन को अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 300 केल्विन पर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10^5 दे रखा है और हमें रिएक्शन की स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पता करनी है। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उन्हें लिख लेते हैं। के इक्विलिब्रियम 10^5, टेम्परेचर 300 केल्विन और आर की वैल्यू तो हमें पता है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। हम जानते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम के इक्वल होती है। तो इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें और सॉल्व करें तो हमें डेल्टा जी नॉट रिएक्शन की वैल्यू माइनस 28.720 किलो जूल आ जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह कहता है कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पर किसी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो होती है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लेते हैं तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पर इसके सारे मॉलिक्यूल्स अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे होते हैं, तो इनमें कोई डिसऑर्डरनेस नहीं होता है, तो इनकी एंट्रोपी जीरो होती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ने से इनमें डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है, तो हम कहेंगे कि इनकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। कोई भी सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होता है, जीरो केल्विन टेम्परेचर पर भी इनकी कुछ न कुछ एंट्रोपी होती है। इस एंट्रोपी को हम सब्सटेंस की रेजिडुअल एंट्रोपी भी कहते हैं।